हेलो फ्रेंड्स, स्नेहा कुकिंग में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मूली के पत्ते से चटनी। अगर आप फेंक देते हैं मूली के पत्ते तो आज से आप नहीं फेंकेंगे। ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में। इसका चटनी बनाने के लिए इसका पत्ते को ये जो है डंठल निकाल लेंगे। इसके पत्ते को उल्टे साइड से इसे निकाल लेंगे। सारे पत्ते अलग कर लेते हैं। ये देखिए, हमने सारे मूली के पत्ते को डंठल से अलग कर दिया। ये डंठल को साइड कर देंगे। इसको धोकर काट लेते हैं छोटे छोटे बारीक में। इसे हमने अच्छे से 3 से 4 पानी में से धो लिया है। अब इसे बारीक काट लेंगे। आप नहीं काटेंगे तब भी चल जाएगा काम। ऐसे भी तो काम चलता है, लेकिन काट लेने से आसान हो जाता है। इसे हमने काट लिया। हमने गैस पे पैन को गरम करके इसमें सरसों का तेल डाल लिया है। ये सरसों का तेल गरम हो जाएगा। इसमें 1 से 2 सूखी मिर्च डाल लेंगे। ये थोड़ा सा लाल से थोड़ा सा फौरन मैरून हो गया है। इसमें अब पत्ता काटा हुआ है। अब ढक्कन लगा के ढक के ऐसे ही पका लेते हैं। ये हमारा साग इधर बनकर तैयार हो गया। इसे अब कटोरे में निकाल लेते हैं। अब इसे हम पीस लेते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले लेंगे। हमने 3 से 4 हरी मिर्च ले लिया है। आपको कम तीखा पसंद हो तो 2, 1, 3 जितना लेना हो वो ले सकते हैं। हमने 4 ले लिया है। ये हमें थोड़ा तीखा ही अच्छा लगता है। इसे तोड़ कर ले लेंगे। और हमने 10 से 12 लहसुन की कली ले ली है। अब इसे पीस लेंगे। इसे इस तरह इसको पीस लेते हैं पहले। ये हमने लहसुन मिर्च को पीस लिया है। अब इसे साग को थोड़ा थोड़ा करके पीस लेंगे। पीस कर पूरा एक लास्ट में मिलते हैं। इसे हमने देखिए पूरा महीन से पीस लिया है। इसे मिक्सी में पीसेंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा। इस पे सिलवट्टे पे पीसने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अगर हमारा रेसिपी आपको पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हमारा नया रेसिपी मिल सके। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ये जो हमने तेल में फ़ौरन डाला था ना, उससे सोना सोना सा टेस्ट आता है। इसलिए आप इस तरह से बनाकर ज़रूर देखिएगा। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। पानी डालने से इसका टेस्ट थोड़ा सा पंसोर सा लगता है, लेकिन ऐसे भून कर बनाने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। ये हमारा मूली के पत्ते की चटनी बनकर रेडी हो गई है। इस तरह से बनाइएगा तो आपको बहुत टेस्टी लगेगा। पानी डालने से थोड़ा सा टेस्ट इसका चेंज हो जाता है, और मिक्सी में भी पीसने से थोड़ा सा टेस्ट दूसरा रहता है। अगर ये इसको सिलबट्टे पे पीसिएगा तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसलिए इस तरह कभी बनाकर देखिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू।